आज इस वीडियो अपडेट पे हम बात करेंगे नई दिल्ली से सहरसा के बीच चलने वाली सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के नए रूट के बारे में। आपको अब तक हमारे पिछले वीडियो में जानकारी मिल चुका होगा कि रेलवे की ओर से नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते बिहार को आने वाली कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे सहरसा से नई दिल्ली और नई दिल्ली से सहरसा के बीच वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होगा नया रूट। इसके लिए हमें आज स्पेशल वीडियो अपडेट आप लोगों के लिए बनाना पड़ा। इस वीडियो में हम बढ़ेंगे आगे, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली से सहरसा के बीच यानी कि दिल्ली से बिहार आने वाली इस ट्रेन का परिचालन नए रूट से किया जा रहा है और 28 अप्रैल को यह ट्रेन नंबर 12554 के साथ नई दिल्ली से बिहार के लिए यह वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। यह ट्रेन हाजीपुर शाहपुर पटोरी बछवाड़ा के रास्ते चलेगी। इसके अलावा रेलवे कुछ ट्रेनों को उनके आरंभिक स्टेशन से समय बदलकर चलाने के लिए भी नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको इस ट्रेन का सबसे लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध हमारा चैनल करवाने में सक्षम रहा। बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ चुकी है क्योंकि इस रूट पर कई ट्रेनों का परिचालन नए रास्ते से देखने को मिलेगा। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे की ओर से ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की ओर से सोनपुर मंडल में सराय व तुर्की रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग काम चल रहा है और यही वजह है कि इस रास्ते से गुजरने वाली कई ट्रेनों का रूट में परिवर्तन किया गया है। वैसे तो यह ट्रेन नई दिल्ली से खुलने के बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, अलीगढ़, टुंडला के बाद खुलने के बाद यह ट्रेन इटावा रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, बाराबंकी, गोंडा जंक्शन, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान जंक्शन, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दालसिंहसराय जंक्शन, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, सहरसा होकर चलती है। लेकिन इस ट्रेन का रूट बदल जाने से पैसेंजरों को थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी, लेकिन आने वाले समय में इस ट्रेन का वापस से निर्धारित रूट के अनुसार ही यह ट्रेन चलेगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छोड़ जाएं। इस ट्रेन से अगर आप भी यात्रा करते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में यस लिखें, साथ इस वीडियो को आगे शेयर करें।